आजकल की जिंदगी या दुनिया में अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो तो आपको बहुत तेज़ी से काम करना पड़ेगा। पर अब क्या करें जब ऐसी बीमारियां हो जाएं जिसके कारण हम तेज़ी से काम कर ना पाएं। हम करना तो चाहते हैं पर कर नहीं पाते। तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाला हूँ जो एक बीमारी बड़ी ही खतरनाक होती है। हाँ, तो मैं बात करने वाला हूँ पाइल्स के बारे में कि पाइल्स क्या है, कैसे होता है, कारण क्या है। चलो करते हैं शुरू। पाइल्स के अन्य नाम होते हैं जैसे कि बवासीर, मस्सा, हिमोरॉइड, ये इन्हें कहा जाता है। आखिरकार है क्या पाइल्स, यानी कि मस्सा क्या है? पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें मल द्वार में यानी कि एनस की जो नस होती है उनमें सूजन आ जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को मल त्याग करते समय परेशानी होती है। अब हम इसके कारण की बात करें तो इसका मुख्य कारण कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज होता है। दूसरा मुख्य कारण जेनेटिक, अगर पिता को है तो बेटे को भी होने की संभावना हो सकती है। तीसरा होता है बैठना, यानी कि कोई ऐसी जगह यानी कि एक ही जगह पर बहुत समय तक बैठना, उसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अब हम सिम्टम्स यानी कि लक्षण की बात करें तो इसमें मल त्याग में परेशानी होती है, दूसरा मल द्वार में सूजन महसूस होती है, तीसरा मल त्याग करते समय खुजली आना या फिर कुछ जलन होना, ये सब कुछ होता है इसमें। मल त्याग करते समय जलन होना, ये हमने बता दिया। सूजन आता है, मल त्याग करते समय खून भी आ सकता है, ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। अब हम ट्रीटमेंट की बात करें तो आयुर्वेदिक में इसका ट्रीटमेंट है। अगर इनिशियली यानी कि शुरुआत हुई अभी होने की तो इसको मेडिसिन के द्वारा ट्रीट किया जा सकता है। दूसरी बात करें, अगर ये ज़्यादा हो जाती है तो इसको सर्जरी के द्वारा रिमूव किया जा सकता है। तो आज हमने पाइल्स के बारे में बात किया। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ। थैंक यू।